मॉर्निंग क्लास विथ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि जो भी चीज़ें, मैटर क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर जगह घेरती हो और उसका वेट है तो उसको मैटर कहेंगे। उसके अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे हम कि सॉलिड कैसे होता है, लिक्विड कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। गो थ्रू द वीडियो विद द हेल्प ऑफ बुक। बुक के साथ पढ़िएगा, बगैर बुक के ना पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ नोन एज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर MATTER मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस घेरती है और जिसमें वेट होता है। तो ये कॉपी यहाँ रखी है तो ये स्पेस घेर रही है, कुछ स्पेस घेरी था, इतना स्पेस घेरी है और उसकी वेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ों से मिल के बना होता है। दे आर वेरी स्मॉल साइज एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज एंड आर कॉल्ड एटम्स। ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और इनको हम ऐसे ऐसे आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है, पूरा एक मैटर जो होगा उसका जो बिल्डिंग छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एटम्स। टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब दो एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंस स्टेट ऑफ मैटर। जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उनको स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को तीन फॉर्म्स में देखा जाता है और मैटर तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, ठीक है। अ टेबल इज़ अ सॉलिड। टेबल जो है ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड मतलब मजबूत, ठोस चीज़, ठीक है। लिक्विड क्या होगा? मिल्क लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, पानी जैसी चीज़ें होती हैं उनको हम लिक्विड कहते हैं। गैस क्या होगा? ऑक्सीजन गैस है, हवा गैस है, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसमें से निकलता है तो वो भी गैस होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? एटम्स पढ़ा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा। मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर, उसके वेट हो, उसको मैटर कहेंगे, ठीक है। स्मॉल साइज़ के होते हैं एटम्स, एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, और जो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला लेते तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम्स थ्री स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कैसे होते हैं? इट हैज़ अ फिक्स शेप। फिक्स शेप होता है, देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे हैं इसके, बिल्कुल फिक्स्ड है, एक के नीचे एक, फिक्स शेप होता है, साइज होता है। ये कभी अपना, इट डजेंट चेंज शेप। ये किसी, ये अगर हम किसी भी शेप में इसको डालेंगे या किसी भी अदर कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कभी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इस कॉपी को उठाकर अगर हम एक बैग में डाल देंगे तो क्या कॉपी का शेप चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कॉपी क्या है? सॉलिड है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही पैक्ड हैं। द मॉलिक्यूल्स और इन द सॉलिड आर पैक्ड। देखिए मॉलिक्यूल्स इसके कैसे पैक्ड हैं, जगह नहीं है किसी के बीच में कि कहीं भी कोई इंटरफेरेंस हो जाए, सब क्लोजली पैक्ड हैं, जकड़े हुए हैं। एंड दे आर टुगेदर वेरी क्लोज, दे कैन नॉट मूव फ्रीली ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये एक दूसरे से अलग नहीं हट सकते। अगर हम ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देंगे तो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। स्टोन वुड एंड आइस, स्टोन पत्थर, आइस बर्फ लकड़ी, एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड्स के, ठीक है। फिर लिक्विड्स क्या हैं? लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। लिक्विड जो होते हैं, जहाँ भी हम उसको भरेंगे, पानी भरते हैं तो उस बॉटल का शेप ले लेता है। चाहे हम घड़े में भरें, चाहे हम बॉटल में भरें, चाहे हम ग्लास में भरें, तो हमको शेप बॉटल का भी, पानी का शेप वही होगा जो बॉटल का शेप होगा। ग्लास का, पानी का शेप कैसा होगा? जो ग्लास का शेप होगा। घड़े का, जो घड़े का शेप होगा। सिमिलरली इफ़ इट इज़ पोर्ड इन टू अ बॉटल, इट टेक्स द शेप ऑफ बॉटल। अ लिक्विड कैन नॉट, कैन चेंज शेप बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट सॉलिड। कभी भी अपना शेप नहीं चेंज करेगा लिक्विड कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड उतने नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं, ठीक है। अ लिक्विड कैन चेंज शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर एज इन द केस ऑफ सॉलिड। इसमें देखिए कितने टाइटली पैक्ड है, इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इट इज़ नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू वीक अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इनके बीच में क्या होता है? वीक अट्रैक्शन होता है। द लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स अलाउज लिक्विड टू फ्लो फ्रीली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसके मॉलिक्यूल्स के ऐसे कंडीशन की वजह से ये जिस भी शेप में भरा जाता है उसका, जिस भी कंटेनर में भरा जाता है उसका शेप ले लेता है।
वाटर मिल्क एंड जूस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड. वाटर मिल्क और जूस जो होते हैं वो फ्यू एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, लिक्विड के. लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. लिक्विड क्या करते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हैं. तभी हम टंकियाँ जो अपने छत में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रखते हैं, क्योंकि लिक्विड कैसे मूव करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल. यू हैव नोटिस दैट व्हेन यू टेक बाथ द वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटलेट. पानी जब हम नहा रहे होते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकलता है. बिकॉज दिस इज बिकॉज बाथरूम्स हैव अ स्लोपिंग. बाथरूम में क्या होता है, एक स्लोपिंग सरफेस होता है जिससे पानी जो होता है हायर लेवल से नीचे लेवल पे जाता है. ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं जो ऑक्यूपाई स्पेस और हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. सॉलिड कैसे होते हैं, फिक्स शेप होता है सॉलिड का और वो अपना शेप नहीं चेंज करते जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाए. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब सॉलिड में हर चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है. लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है. ये कंटेनर्स भी कंटेनर भरे जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं, और इनके बीच में वीक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, बहुत वीक होता है. इस वजह से ये दोनों जो होते हैं, देख लीजिएगा डिफरेंस देखिए इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में. ठीक है, यू गो थ्रू दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ योर बुक. बुक से पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा. टिल देन टेक केयर एंड डू द वर्क विच आई हैव गिवन टू. ये देखिए इसके एक्सरसाइजेज है, ये एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा अपने बुक में. ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर.